हेलो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट अवर कंटिन्यू टॉपिक 12.2 फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। फैक्टर किस तरह से अफेक्टिंग होते हैं फ्रिक्शन को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 12.2 जो है, टाई स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक्स, पुल द ब्रिक्स बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। फिगर 12.3, आपको क्या करना है, एक ब्रिक्स लेना है, उसके ऊपर जो है रस्सी की तरह बांध दे, स्प्रिंग लेकर बांध देना है, और उसको जो है उससे जो है अपने वेट को मेज़र करना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। व्हेन द ब्रिक्स जस्ट बीइंग टू मूव, इट गिव यू अ मेज़र ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक्स एंड द फ्लोर। यानी किस तरह से जो है वो जो हम जब भी मेज़र करते हैं तो वो फ्रिक्शन जो होता है, जो ब्रिक्स है जो नीचे जाएगी, और जो बिटवीन जो स्पेस है और जो मेज़रमेंट है वो क्या करेगा, मेज़र करेगा। तो उससे हमें पता चलता है कि ब्रिक्स सरफेस और ब्रिक्स ऑन द फ्लोर जो है वो हमें पता चल जाएगा। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक्स एंड रैपिड द एक्टिविटी। Do you observe any difference in the reading of the spring balance in the above two cases? What might be the reason for this difference? Repeated this activity by wrapping a piece of jute bag around the bricks. What do you observe? तो उससे आपको क्या करना है, ब्रिक्स जो है उसको रैप कर देना है और उसी से एक्टिविटीज करना है। अब जो एक्टिविटी 12.3 है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन विच केस द डिस्टेंस कवर द मिनिमम, वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट। आपको क्या करना है, रिजल्ट डिस्कस करना है। डज द डिस्टेंस कवरेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस ऑन विच द सेल मूव। डिस्टेंस जो है डिपेंड रहता है नेचर ऑफ सरफेस पर कैसे। कूल द स्मूथ थिकनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्टेड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। फ्रिक्शन इज अकेज्ड बाय द इरीगेशंस अंडर टू सर्फेस कॉन्टैक्ट, इवन दोज द सर्फेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट्स इरेग्युलेटरी ऑन डैम। फिगर 12.5, इरेग्युलेटरी ऑन द टू सर्फेस लॉक इन टू द वन अनदर, वैन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सर्फेस वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम। Interlocking on a rough surface, there are a large number of irregularities, so the force of friction is a grating if a rough surface is involved. Figure 12.5 के अंदर बताया सरफेस इरेग्युलेशन किस तरह से होता है। We see the friction is caused by this interlocking of irregularities in the two surface. It is observed that the force of friction will be increased if the two surface are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is and sitting on it, and when a person is sitting on it. 12.6 ये फिगर जो बताया कि किस तरह से पुश कर रहा है बॉक्स को और मूविंग हो रहा है बॉक्स। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन द लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने एक जगह से दूसरी जगह जो है पुश कर उससे जो हटा है उसका एक्सपीरियंस आपको बताना है कि किस तरह से वो हुआ है। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। व्हाट इज इजियर, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशंस। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी चीज़ को हटा कर देखो बॉक्सेस को, और इसी उसके बाद आप एक्सपीरियंस लो। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शंस एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get
enough time to look into the contact points on the floor. So the sliding frictions is a slightly smaller than the static frictions, and you find somewhat easier to move box already in the motion than to get started. जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जो है बॉक्स को मूव करेंगे तो आप जो पुश करेंगे तो जो उसका सरफेस जो बॉक्स है वो प्लेस चेंज करता करता धीरे उसका मोशन चेंज होता रहेगा. सो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें.